नए साल के जश्न पर बड़ी तादाद में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध इटावा सफारी पार्क को देखने के लिए उमड़ पड़े। भारी भीड़ को देखते हुए सफारी प्रबंधन को पहली बार पुलिस बल की भी मदद लेनी पड़ी। नए साल के जश्न पर यह बात भी खास देखने को लोगों को मिली कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कतई ख्याल नहीं रखा। और बताते चलें कि इटावा सफारी पार्क में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बड़ी तादाद में पर्यटक इटावा सफारी पार्क नए साल के जश्न के तौर पर भ्रमण करने आए हैं। घुमाने के पर्पज से हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि बच्चे इंजॉय करें, थोड़ा लाइन वगैरह देखें, डियर्स देखें। इस वजह से ये बच्चों को थोड़ा जानकारी मिलेगी कि हमारे यहाँ कौन कौन से जानवर वगैरह, और यहाँ उनको घूमने के लिए थोड़ा सा मिलेगा। और नया साल है तो बच्चों को नई नई चीज़ें जानकारी दी जाएगी, नए नए जानवर। और यहाँ कई सारी स्पीसीज हैं जानवरों की, उसके बारे में से डियर है, एंटलोप्स हैं, लॉयन हैं, उन सभी के बारे में। एक्चुअली सफारी एक इटावा का ऐसा पार्क है जो कि मेरे हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे इससे बेस्ट पार्क कहीं नहीं लगा। इतनी खूबसूरत जगहें और इतनी मेमोरीज जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं सारे फ्रेंड्स के साथ आया, सारे दोस्तों को मज़ा आया। इस अवसर पर आमतौर पर 1500 से 2000 लोग आ जाते हैं। अब इस वर्ष भी उतनी ही संभावना है, पर निराश ना हो। बसों की संख्या जो है उसको निरंतर उसमें वृद्धि की गई है। यहाँ पे पहले 2 बसें ही लगाई जाती थी, अभी 8 बसों का व्यवस्था करके यहाँ संचालन किया जा रहा है। और हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय द्वारा पूरे इसमें हर परिसर में जगह जगह ड्यूटी सबकी लगाई गई हैं। साथ में पुलिस फोर्स के लिए SSP महोदय से भी अनुरोध किया गया है, उन्होंने भेज दिया है। और सुरक्षा व्यवस्था भी हमारी चाक चौबंद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews।